दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में होटल बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में 3-4 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप लगभग 30-40% तक का इंस्टेंट बचत कर सकते हैं होटल बुकिंग में। इसी के साथ साथ होटल बुकिंग करते समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट हम ले पाएं, ज्यादा से ज्यादा हम पैसे बचत कर पाए। तो चलिए ये सब कुछ लाइव करके मैं आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर चल के। तो इसके लिए स्टार्टिंग में हमने 5 पॉपुलर वेबसाइट को एड किया है। पहले हम इन 5 के ऊपर प्राइस कंपेरिजन करेंगे, उसके बाद एंड में मैं आपको 2 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू 30-40% तक आप बचत कर पाएंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन के ऊपर ही आप बचत कर पाएंगे, जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो फटाफट से हम सभी वेबसाइट के ऊपर सेम होटल को सेम टाइमिंग के लिए बुक करते हैं और पेमेंट पेज तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल होटल के ऊपर हमने क्लिक किया, मुंबई के लिए मैं होटल यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, मुंबई हमने सर्च कर लिया और डेट में 1 जून एंट्री और 2 जून एग्जिट रखने वाला हूं और रूम 1 और एडल्ट 2 मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं और यहां पे कॉमन होटल लेने वाला हूं, यानी कि सभी वेबसाइट के ऊपर एक ही होटल को हम फाइंड करेंगे और वो हम फाइंड करेंगे द ताजमहल पैलेस मुंबई, क्योंकि ये एक ही है मुंबई में, तो इसे मतलब कंपेयर करना आसान होगा। बुक दिस नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे जो फाइनल पेमेंट निकल के आ रहा है 22,420 रुपए का। उसके बाद अगला हम बढ़ते हैं क्लियर ट्रिप के ऊपर, यहां पे भी हमने होटल के ऊपर क्लिक किया, यहां पे हमने मुंबई ऊपर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे डेट 1 जून और सेम वही चीज 1 रूम 2 एडल्ट और यहाँ पे भी मैं फाइंड कर लेता हूँ ताजमहल पैलेस, हालांकि ताज होटल का नाम ही है ताजमहल टावर या ताजमहल पैलेस। इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया और देखते हैं यहाँ पे हमें कितना अमाउंट में रूम मिल रहा है। यहाँ पे 14,000 प्लस GST। सेलेक्ट रूम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए चीपेस्ट वाले के थ्रू मैं कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कितने रुपए का, ओके 16,520 रुपये में पहुँच गया है। लेकिन यहाँ पे मैं डिस्काउंट कूपन अप्लाई कर सकता हूँ, इसके लिए व्यू ऑल कूपन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है और जितने भी कूपन कोड अवेलेबल होंगे सबके सब यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सक्लूसिव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट है वो 16,520 रुपये का आ चुका है। चलिए अब मैं तीसरा वेबसाइट गोवा वीवो के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे हमने होटल के ऊपर क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं मुंबई और उसके बाद यहाँ पे डेट यहाँ पे मैं सेम सेलेक्ट करने वाला हूँ 1 जून 2 जून और सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा द ताजमहल टावर मुंबई, ये आ चुका है फाइनली। और यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 14,000 प्लस GST बता रहा है, व्यू 15 रूम ऑप्शन का आ चुका है 14,000 प्लस GST। सेलेक्ट रूम के ऊपर हमने क्लिक किया और अब यहाँ पे जो फाइनल प्राइस है वो 16,520 रुपये का है, यानी कि क्लियर ट्रिप और गोवा वीवो सेम प्राइस में रूम हमें दे रहा है। इसी के साथ साथ अब मैं जाता हूँ booking.com के ऊपर और अब मैं यहाँ पे STA के ऊपर मैं क्लिक रखने वाला हूँ। मुंबई यहाँ पे हमने क्लिक किया और आई थिंक हमने रिसेंटली सर्च किया था इसलिए ये सब चीज ऑटोफिल आ रहा है और द ताजमहल टावर पहले ही आ चुका है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे इसका देख लेते हैं अमाउंट कितना बन रहा है। यहाँ पे रिजर्व के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे भी 14,000 प्लस GST। आई विल रिजर्व के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 14,000 वाला 1 रूम सेलेक्ट किया, आई विल रिजर्व के ऊपर हमने क्लिक किया और आई थिंक ये सिमिलर ही प्राइस रहने वाला है जो कि अभी रिसेंटली हमने देखा। और पेमेंट अमाउंट जो है यहाँ पे फाइनली वो कितना आ रहा है एक बार मैं देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी 16,520 रुपये का पेमेंट आ रहा है। और चलिए अब एंड में मैं देख लेता हूँ यात्रा के ऊपर, उसके बाद मैं आपको तगड़े ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं मुंबई ले लेता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ पे 1 जून 2 जून सर्च होटल के ऊपर हमने क्लिक किया और ये आ चुका है द ताजमहल पैलेस और यहाँ पे 22,000 प्लस GST आई थिंक ऐसा कुछ बता रहा है। तो हाँ, ये चूज रूम के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे देख लीजिए बुक नाउ के ऊपर हमने क्लिक किया और आई थिंक यहाँ पे महंगा मिलने वाला है 25,960 रुपये का। अब तक में सबसे महंगा तो yatra.com के ऊपर हमें लगा, लेकिन अब हमें 2 वेबसाइट के ऊपर कंपेयर करना है जिससे उम्मीद बहुत ही ज़्यादा है हमें। सबसे पहला आ गया अगोडा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट है। उसके बाद आपको स्काई स्कैनर को भी ट्राई करना है, हालांकि स्काई स्कैनर कोई टिकट नहीं देता है, बस ये आपको कंपेयर करके दिखा देगा कि ये जो होटल है सबसे सस्ता कौन सा वेबसाइट और कितने रुपए में दे सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ताज होटल
मुंबई टाइप कर देता हूँ तो ताजमहल पैलेस मुंबई, और यहाँ पे 1 जून से 2 जून का मैं रखने वाला हूँ। सर्च होटल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, लगे हाथ में यहाँ पे अगोडा के ऊपर भी सर्च कर लेता हूँ, और ये मैंने अगोडा के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे द ताजमहल टावर मुंबई यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि मैं अभी जस्ट हमने वीडियो बनाने से पहले रिसर्च किया था कि आप लोगों को क्या चीज़ मतलब बताऊँ कि सबसे सस्ता में काम हो जाए, तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया था, इसीलिए ऑटोफिल डाटा आ रहा है यहाँ पे हमारे ब्राउजर में। तो हाँ, ये आ चुका है, और व्यू द डील के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए 12,129 रुपये से स्टार्ट हो जाता है रूम ताजमहल पैलेस में, ठीक है। इसी के साथ साथ द ताजमहल पैलेस यानी कि स्काई स्कैनर के थ्रू अगर मैं देखता हूँ तो देख लीजिए बता रहा है 15,898 रुपये में आपको मिल जाएगा डील, जो कि अगोडा के थ्रू मिलेगा। लेकिन डायरेक्टली जब मैं अगोडा में जा रहा हूँ, ये देखिए ये मैं डायरेक्टली agoda.com के ऊपर गया था, तो यहाँ पे जो है ये डील बता रहा है 12,129 रुपये में ताज होटल में स्टे कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने मुंबई विजिट किया था, वहाँ पे हमारा टाटा के साथ इनका टाइप है ताज होटल का, तो हमने टाटा न्यू ऐप में ट्राई किया था होटल बुकिंग के लिए, जो कि मुझे तो फ्री में ही बुकिंग हो रहा था। ये बात मुझे बाद में पता चला कि मेरे टाटा न्यू कॉइन में काफ़ी सारे कॉइन पड़े हुए हैं, जिसको रिडीम करके मैं ताज होटल को बुक करके स्टे कर सकता था। जिस दिन रिटर्न था उस दिन मुझे याद आया। खैर, ये बात को छोड़िए, अपने पॉइंट पर वापस आए तो टाटा न्यू ऐप के ऊपर हमने देखा ऑफिशियल जो इसका प्राइस है वो लगभग 25,000 प्लस GST एक दिन का स्टे का प्राइस है ताज होटल में। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो वही चीज़ 12,129 रुपये में बुक कर सकते हैं, यानी कि ताज होटल में स्टे ले सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा, होटल बुकिंग के लिए अगोडा को बिल्कुल ट्राई करना ही चाहिए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये आपको सस्ता में ही दे देगा, लेकिन अगोडा और स्काई स्कैनर ये दो पॉपुलर वेबसाइट है होटल और फ्लाइट बुकिंग के लिए। हालांकि होटल के लिए मैं अगोडा को प्रेफर करता हूँ और फ्लाइट के लिए स्काई स्कैनर को, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख के और चीप रेट में सस्ते रेट में पैसा बचा करके होटल बुक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो उसमें। तब तक के लिए नमस्कार।